क्या आप जानते हैं बड़े बड़े सिप पर हजारों लोगों के लिए पीने और नहाने का पानी कहाँ से आता है? क्योंकि समुद्र का पानी तो इतना खारा होता है कि इसे पीना तो दूर, इसे नहाना भी इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और तो और समुद्र में दूर दूर तक कोई बिजली के खंभे या तार नहीं होते। तो आखिर सिप पर बिजली कहाँ से आती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों एक क्रूज सिप में एक बार में 6,000 लोग भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जहाज तो महीनों तक समुद्र में रहता है, जिससे लोगों को समुद्र का पानी ही पीना पड़ता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों जहाज पर एक फ्रेश वाटर जनरेटर लगा होता है, जो एक दिन में 15,000 से 20,000 लीटर पानी साफ करके देता है। और तो और जहाज में बिजली बनाने के लिए भी इंजन रूम में विशाल जनरेटर लगे होते हैं। ये इतनी बिजली बनाते हैं कि सैकड़ों घरों को बिजली दे सकते हैं। लेकिन ये जनरेटर हर दिन सिप का 1,000 लीटर तेल पी जाते हैं।